हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्च के महीने में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों को पूरे भारत में ज़्यादातर लोगों ने खरीदा है। तो चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप देखना चाहते हो मार्च के महीने में सबसे कम बिकने वाली गाड़ियाँ, भाई जिन गाड़ियों को किसी ने खरीदा ही नहीं है, तो वो मैंने आई बटन पर डाल लेके हमारे चेक कर सकते हो। और लेटेस्ट वीडियो आप चैनल की चेक कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप भी अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उनकी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हो, साथ ही के साथ अपने घर की डेकोरेशन को भी इंक्रीज करना चाहते हो, तो हमारी कंपनी पॉटरी मार्ट आपके लिए लेकर आई है स्विमिक्स के प्लांटर विद स्विमिक्स के होम डेकोरेशन आइटम, जिससे आप अपने घर की लुक और अपने प्लांटर की लुक को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आपके लिए पॉटरी मार्ट लेकर आई है हाई क्वालिटी के प्रीमियम मग, और जो आपके सुबह के मूड को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देगा। और ये आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो थ्रू हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और इसी के साथ आप मीशो से भी बाय कर सकते हो। तो चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, मार्च के महीने में टॉप 10 लिस्ट की 10th पोजीशन पर आई है मारुति की हाल ही में लॉन्च हुई ग्रैंड विटारा, जिसकी पूरी भारत में 10,045 यूनिट बिकी हैं। वैसे तो भाई, ये गाड़ी अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च हुई है मारुति की तरफ से, पर आप जानते हो कि भाई मारुति की कोई सी भी गाड़ी हो तो टॉप 10 लिस्ट या टॉप 20 की लिस्ट में तो भाई जरूर आनी की आनी है ही। इसके बाद जो 9th पोजीशन पर अपनी गाड़ी आ जाती है, वो भाई मैं आपको बता के बहुत खुशी मिलती है, वो है भाई अपनी टाटा की पंच, जिसकी पूरी भारत में 10,895 यूनिट बिकी हैं। तो बधाई उन लोगों को जिन्होंने टाटा पंच की गाड़ी खरीदी है, क्योंकि भाई आप सेफेस्ट कार चला रहे हो कम से कम। पर अब देखना ये होगा कि भाई टाटा पंच के कॉम्पिटिशन में जो नई गाड़ी आने वाली है, जैसे आपकी कैस्पर हो गई, इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, क्या ये भाई टाटा पंच को कंपटीशन दे पाएंगी या टाटा पंच अपनी टॉप 10 लिस्ट की बरकरार रहेगी। क्योंकि देखा जाए तो भाई कैस्पर बहुत तगड़ी गाड़ी है और बहुत तगड़ा कंपटीशन देगी टाटा पंच को। अब इसके अलावा भाई जो 8th पोजीशन पे अपनी गाड़ी आई है, वो है अपनी मारुति की ईको, जिसकी पूरी भारत में 11,995 यूनिट बिकी। वैसे ये गाड़ी ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ में आती है, क्योंकि भाई इसमें आप 9 सीटर की जगह 15 सीटर भी बना सकते, क्योंकि ये गाड़ी ही कुछ ऐसी है मारुति की तरफ से। अब इसके बाद भाई जो 7th पोजीशन पे अपनी गाड़ी आ जाती है, वो है अपनी मारुति की डिज़ायर, जिसकी पूरी भारत में 13,394 यूनिट बिकी है। तो भाई डिज़ायर भी अपने आप में बहुत शानदार गाड़ी है, पर इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी इतनी नहीं मिलती है जितनी आपको होंडा अमेज में मिल जाती है। पर होंडा अमेज भी बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देती है मारुति डिज़ायर को, पर ये भाई टॉप 10 लिस्ट की नहीं आ पाती, क्योंकि मारुति की गाड़ी ऐसी हैं तो ज़्यादातर टॉप 10 लिस्ट की कैटेगरी में आती रहेंगी। अब इसके बाद जो 6th पोजीशन पर अपनी गाड़ी आ जाती है, वो है भाई आपकी हुंडई क्रेटा, जिसकी 14,029 यूनिट बिकी है पूरे भारत में मार्च के महीने में। मुझे नहीं लगता कि भाई इस गाड़ी के बारे में मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि भाई क्रेटा कैसी गाड़ी है और कितनी ज़्यादा बिकती है। और अब इसके बाद जो 5th पोजीशन पर अपनी गाड़ी आ जाती है, वो है भाई अपनी फिर से टाटा की नेक्सॉन, जिसकी पूरे भारत में 14,769 यूनिट बिकी हैं। भाई मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई सेफेस्ट कार टॉप 10 लिस्ट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि भाई इंडिया बहुत बदल रहा है आजकल, पर भाई मारुति का भी बोलबाला बहुत ज़्यादा है, इनको भी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद भाई 4th पोजीशन पर जो अपनी गाड़ी आ जाती है, वो फिर से मारुति की है, वो है आपकी बलिनो, जिसकी पूरी भारत में मार्च के महीने में 16,168 यूनिट बिकी हैं। वैसे बलिनो की भी अभी नेक्स्ट जनरेशन हाल ही में लॉन्च हुई थी, जिसकी वजह से इसकी सेल में थोड़ी सी इंक्रीज आई है। अब इसके बाद जो 2nd पोजीशन पर अपनी गाड़ी आ जाती है, मतलब कि पूरे भारत में मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस गाड़ी को ख़रीदा, वो है अपनी मारुति की वैगनार, जिसकी पूरी भारत में 17,305 यूनिट बिकी हैं। तो भाई मारुति सुजुकी का बोलबाला बहुत तगड़ा है, बस दो ही गाड़ी थी जो अपनी टॉप 10 लिस्ट में आई है सेफेस्ट कार में, वरना ज़्यादातर आपकी मारुति की और आपकी हुंडई होंडा सबकी मिलती हैं। और अब इसके बाद जो नंबर 1 पोजीशन पर अपनी गाड़ी आई है, जो भाई भारत में सबसे ज़्यादा बिकी है मार्च के महीने में, वो आप पता लगा ही सकते हो कि भाई कौन सी होने वाली है, वो है अपनी मारुति की स्विफ्ट, जिसकी पूरी भारत में 17,559 यूनिट बिकी हैं। तो बधाई हो उन लोगों को जिन्होंने मारुति स्विफ्ट को ख़रीदा है, क्योंकि भाई जीरो सेफ्टी है, पर गाड़ी बहुत तगड़ी है, क्योंकि भाई मुझे भी बहुत तगड़ी लगती है इसकी लुक, बस सेफ्टी की वजह से मैं मन नहीं करता इसको लेने का, हकीकत में तो भाई पैसा ही नहीं है, यूट्यूब से आता ही नहीं है। खैर, इसके अलावा यही थी भाई टॉप 10 की लिस्ट जो सबसे ज़्यादा मार्च के महीने में गाड़ी बिकी है। तो भाई वीडियो देखने का आपको धन्यवाद। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाई अगली कोई नई वीडियो में। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।